गाइस, सैमसंग गैलेक्सी A71 लॉन्च हो चुका है और ये A70 का सक्सेसर है। तो A70 इस समय मिल रहा है मार्केट के अंदर, यानी कि अमेज़ॉन पे अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको 22,500 रुपये का मिल जाएगा, 6128 वाला वेरिएंट। अगर आप A71 ख़रीदते हैं जो कि न्यूली लॉन्च्ड है, तो इसकी प्राइस रखी गई है 8128 की 29,999। जी हाँ, 30,000 हम कह सकते हैं, तो 1 रुपया कम है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की, कि अगर आप A70 यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसका सक्सेसर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर आप सैमसंग के ब्रांडिंग का कोई फ़ोन चाहते हैं अंडर 30,000, तो आपके लिए A70 बेटर होगा या फिर A71 बेटर होगा। इन दोनों के अलावा भी आप कोई और सा मोबाइल कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें इसी वीडियो में होंगी। तो मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक्नोलॉजी से इंटरेस्टेड है, टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको अनबॉक्सिंग और साथ में ये कंपेरिजन वगैरह प्रोसेसर के बारे में सब कुछ नॉलेज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके चेंजेस की। तो डिस्प्ले में कोई भी चेंज नहीं हुआ है साइज़ वगैरह की बात करें तो, हालांकि डिज़ाइन चेंज हुआ है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो थोड़ी सी, जो डिज़ाइन है डिस्प्ले का वो चेंज हुआ है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी और साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। आपको 6.67 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में बहुत अच्छी बात है, और यहाँ तक कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस मोबाइल के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो पुराना वाला था A70, उसके अंदर आपको नॉच मिलती थी, इसको डॉट नॉच बोलते हैं या फिर वाटर ड्रॉप नॉच बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पंच होल मिलता है। जी हाँ, सेंटर में आपको पंच होल कैमरा मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, पंच होल डिस्प्ले आपको मिल जाती है, बेटर थिंग है। इसके अलावा बैक साइड की बात करें तो पहले बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता था, बिल्कुल तीनों कैमरा एक ही लाइन में होते थे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि इसको चेंज कर दिया गया है और डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर बना दिया गया है। क्वाड कैमरे का सेटअप आपको बैक साइड में देखने के लिए मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ये आ जाती है कि यही सेम सेटअप और सेम डिज़ाइन के साथ में आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 भी मिलता है। तो अगर आप इसको लेकर के मार्केट में जाते हैं तो कोई देखकर ये नहीं कहेगा कि ये 15,000 का फ़ोन है या फिर 30,000 का, तो प्रीमियमनेस की कमी यहाँ पर मुझे लगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके कैमरा के। जहाँ जो कैमरा सेटअप है उसमें ट्रिपल था और इसमें क्वाड है, बाकी प्लास्टिक फ्रेम है, प्लास्टिक की बॉडी है, और साथ में आपको स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3G प्रोटेक्शन दोनों ही मोबाइल में मिल जाती है, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। जहाँ जो चेंज हुए हैं, पहले हम बात करते हैं रियर कैमरा के। जो 32+8+5 का सेटअप आपको पहले देखने को मिलता था A70 में, जिसमें 32 मेन कैमरा है आपका, मेन सेंसर है, जहाँ पर आपको अपर्चर मिलता है 1.7। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड था और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग का था। लेकिन यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं और यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल 1.8 अपर्चर के साथ में काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 और 5 का मैक्रो लेंस है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब एनहांसमेंट है, बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है और अपग्रेड है कि A70 से A71 में आपको कैमरा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा अपग्रेड है। दोनों ही मोबाइल से आप 2160p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ में पहले आपको A70 में EIS का सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको EIS का सपोर्ट दिया हुआ है रियर कैमरे के अंदर। तो ये एक इम्प्रूवमेंट जो पहले भी होना चाहिए था और लेकिन अब हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी बात। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरे में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 32 मेगापिक्सल की पहले थी और 32 मेगापिक्सल की ही अभी है, तो नो डिफरेंस। अपर्चर थोड़ा चेंज हो गया है, पहले 2.0 था और अब 2.2 है, तो पहले से बेटर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ प्रोसेसर वगैरह काफ़ी अच्छा आ गया है, तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। जी हाँ, यहाँ पर प्रोसेसर आपको कौन सा मिलता है। A71 में आपको 675 मिलता था स्नैपड्रैगन का, जो 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ था, और वहाँ पर आपको दो कोर्स मिलती थी, क्रायो 460 की जो 2 GHz तक क्लॉक हो सकती थी गोल्ड की, और जो 2 कोर्स थी वो मिलती थी सिल्वर, क्रायो 460 सिल्वर, जो कि 1.75 GHz तक क्लॉक हो सकती थी। बाकी ये क्रायो कोर्स क्या होती हैं इसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
रहेगी। लेकिन अभी जो चेंज हुए हैं वो आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 730 जो 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है, और वहाँ पर आपको जो कोर्स हैं वो दो कोर्स मिलती हैं 2.2 GHz की क्रायो 470, जी हाँ अपग्रेड हुई है। इसके अलावा जो 6 कोर्स हैं वो मिलती हैं आपको 1.8 GHz की क्रायो 470 सिल्वर। तो प्रोसेसर में काफ़ी बड़ा अपग्रेडेशन है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, लेकिन 730 यहाँ पर यूज़ हुआ है। जबकि हम देख रहे हैं कि आपको अंडर 20,000 कई मोबाइल 730G प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर प्राइस तो है, लेकिन सैमसंग की ब्रांडिंग चाहिए भाई आपको, तो आपको ये सब तो झेलना ही पड़ता है, क्योंकि सैमसंग खुद कहता है भैया हम तो इतने का ही देंगे, लेना है तो लो वरना बाढ़ में जाओ। अगर GPU की बात करें तो आपको एड्रेनो का 612 GPU मिलता है पहले A70 में, लेकिन यहाँ पर A71 के अंदर आपको एड्रेनो का 618 GPU मिला है जो कि अपग्रेड है, और यहाँ पर आप पबजी वगैरह अच्छे सेटिंग्स में हाई सेटिंग्स में खेल पाएंगे, आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। दोनों में ही एंड्रॉयड 10 है और आपको सैमसंग का One UI 2.0 दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाता है। UFS 2.0 स्टोरेज पर हमारा आया था सैमसंग का A70, लेकिन A71 में आपको UFS 2.1 मिल गई है, 3.5 mm जैक दोनों में ही है, बाकी 4500 mAh की बैटरी विद 25 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में दोनों में ही आपको मिल जाती हैं। तो ये तो कंप्लीट कंपैरिजन था, अब मैंने आपको बता दिया है। तो अगर हम बात करें अपग्रेड की, तो कैमरा अपग्रेड हुआ है, प्रोसेसर अपग्रेड हुआ है, डिज़ाइन अपग्रेड हुआ है, अपग्रेडेशन तो है। अगर आप चाहते हैं A72 A71 स्विच होना, सैमसंग की ब्रांडिंग चाहिए आपको, अच्छे स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो ये फ़ोन मतलब बेकार नहीं कहूँगा मैं। 8128 वाला 30,000 में मिल रहा है तो अच्छा फ़ोन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको यही सारी स्पेसिफिकेशंस अंडर 20,000 मिल जाएं विद एवरी स्पेसिफिकेशन सेम और आपको प्रोसेसर 730GB मिल जाए, तो आप Realme X2 को कंसिडर कर सकते हैं, Poco X2 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बस आपको एक कमी देखने को मिलेगी, आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जी हाँ। लेकिन Realme X2 में आपको IPS LCD डिस्प्ले नहीं मिलती, वहाँ पर सुपर एमोलेड मिलती है, और सुपर एमोलेड के साथ साथ वहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है और प्रोसेसर भी काफ़ी बेटर मिलता है। इसके अलावा अभी बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले हैं, Redmi K30 Pro आने वाला है और Poco F2 भी आने वाला है, और अभी वीवो भी अपने बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करने वाला है। तो अगर आपको इससे अच्छे स्पेसिफिकेशंस वहाँ पर मिल जाते हैं तो आप उनका वेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है Redmi K30 Pro भी इसी रेंज के आसपास होगा, और वहाँ पर आपको प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन का 865 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, उससे पावरफुल प्रोसेसर कोई नहीं है अभी तक, वो आपको मिल सकता है 32, 33, 34 के बीच में, तो आप उसका वेट कर सकते हैं चाहें तो, वरना आप A71 शौक से खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।